नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके दिन भर के राशियों के हाल की तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे एक ऐसे योग की जो चरित्र के बारे में सबसे अधिक बुरी स्थितियां पैदा करता है, जो चरित्र दोष पैदा करता है, चरित्र पर लांछन लगवाता है, जिसको चरित्र दोष का सबसे बड़ा दोष कहते हैं। कौन सा है वो दोष और अगर ये दोष ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो इसको शांत कैसे करें, इससे बचें कैसे, इस पर बात होगी, आपके सवाल पर बात होगी और आपके जन्मदिन के हाल पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आंखों की समस्या के प्रति सतर्क रहें। आंखों की समस्या हो सकती है, हालांकि संतान पक्ष की उन्नति भी होगी और आपकी तमाम चिंताओं का हल भी निकलेगा। आज की सलाह यह है कि सेहत के मामले में लापरवाही मत करें, डॉक्टर के यहां जाने में चीजों को न टालें, मिलने चीजें ठीक हो जाएंगी। वृष राशि, कोल्ड कफ कंजेशन से बचें, सर्दी जुकाम से बचें, अनावश्यक तनाव ना पालें और धन खर्च पर भी ध्यान दें, पैसे का खर्चा आपको मुश्किलों में डाल सकता है। सलाह यह है कि अपने काम पर ध्यान दें, आप काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये बात भविष्य में मुश्किल में डाल सकती है। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम है तो वो काम आपका बनेगा, आर्थिक पक्ष आपका प्रबल होगा और करियर में बड़े लाभ के संकेत भी दिखाई देंगे। सलाह ये है कि करियर के अलावा अपने पारिवारिक जीवन का भी ध्यान रखें, परिवार को नजरअंदाज ना करें। चरित्र दोष का सबसे बड़ा जो योग है, जो कॉम्बिनेशन है, दोष है, वो है शुक्र मंगल का योग। तो शुक्र मंगल का योग आखिर क्या प्रभाव पैदा करता है और कैसे ये चरित्र दोष क्रिएट करता है, आइए बताते हैं। अगर हम शुक्र मंगल के कॉम्बिनेशन की योग की संबंध की बात करें तो मंगल का संबंध होता है जीवन के रिश्तों से और भावनाओं से, शुक्र का संबंध होता है फिजिकल रिलेशनशिप से, शारीरिक संबंध से और शारीरिक आकर्षण से। जब मंगल के साथ शुक्र बैठता है ना तो शुक्र के गुणों में वृद्धि हो जाती है, खासतौर से शुक्र के जो निगेटिव गुण हैं, जो नकारात्मक गुण हैं, वो इम्प्रूव कर जाते हैं। शुक्र और मंगल जब मिल जाते हैं तो भावनाओं में आग लगा देते हैं, आदमी बहुत ज़्यादा भावनाओं के वशीभूत हो जाता है, कहीं कहीं पर रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं और ज़्यादातर रिश्तों और संबंधों में भटकाव आ जाता है। या तो रिश्ते प्रगाढ़ होंगे या तो रिश्तों और संबंधों में भटकाव आ जाएगा। और शुक्र मंगल का जो संयोग है, शुक्र मंगल का जो संबंध है, इस योग के होने पर चरित्र दोष पैदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, चरित्र के भटकने के योग बहुत बन जाते हैं, क्योंकि आदमी का जो आकर्षण है ना वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। ये योग आकर्षण पैदा करता है और ऐसे लोग हर ऐसी चीज से आकर्षित होते हैं जो उनके लिए जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती है। इसीलिए अगर ये योग कुंडली में है तो चरित्र कमजोर हो सकता है, आप भटक सकते हैं, आपके चरित्र पर उंगली उठ सकती है, ऐसी स्थितियां जीवन में जरूर बन जाती हैं। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन हो, शुक्र मंगल का योग हो तो कैसे उसको रोकें, कैसे उसको कंट्रोल करें ताकि चरित्र पर लांछन लगे ना लगे और चरित्र पर उंगली ना उठे, क्या करेंगे, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर आपको मिलेंगे, कारोबार में आपको लाभ भी अवश्य होगा, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। सलाह ये है कि अगर नौकरी में कोई बदलाव हो रहा है बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। सिंह राशि, मेंटली आप मजबूत होंगे दोपहर के बाद से, रुके हुए तमाम काम भी बनेंगे, लेकिन प्रभु वाहन सावधानी से चलाएं। सलाह ये है कि अपने पारिवारिक मामलों में लापरवाही ना करें, अगर किसी को कोई मुश्किल है, कोई समस्या है तो आगे बढ़ के समस्याओं को सुलझाइए, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है आपको, यात्रा को टाल देना बेहतर होगा और मुश्किल अगर कोई आती है तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेने से आपको फायदा जरूर होगा। आज की सलाह ये है कि घर से निकलते समय जरा सा गुड़ खा के निकलेंगे, भगवान को प्रणाम करके निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब।
सवाल हमें आशुतोष की माता जी ने लिखा है। इनके बेटे का नाम आशुतोष है, जन्म की तारीख है 25 दिसंबर 1982, जन्म का समय है शाम को 7:15, और ये लिख रही हैं कि इनके बेटे का वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, खूब लड़ाइयाँ होती हैं, क्या ऐसा उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, बेटे का भविष्य कैसा है, पारिवारिक जीवन कैसा है, इसको लेके बहुत चिंतित हैं। आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में जो ग्रह विवाह के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है उसका नाम राहु है। राहु का कोई स्वभाव नहीं होता, इसीलिए बार बार उतार चढ़ाव पैदा करता है, बिना कारण के विवादों की स्थितियां बना देता है। हालांकि इसका कोई भी सर पैर नहीं है और इस कुंडली में भी कोई सर पैर नहीं दिखाई देता। अभी कम से कम 6 महीने इंतजार करना होगा, जनवरी में जब शनि प्रबल होगा तब इन स्थितियों में सुधार होगा। फिलहाल के लिए शांति बनाए रखें और जहां तक हो सके आप इनको समझाने का प्रयत्न करें। दो उपाय करने से फायदा होगा। अगर आपके सुपुत्र के लिए हम दो उपाय करें, अगर आपके बेटे करें तो बहुत अच्छा, वरना आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। शाम को पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाइए, जिसकी भी चाहती हैं पूजा करिए और विधिवत आरती करिए। रोज शाम को घर में अगर आरती होगी और आप अपने बेटे और बहू के लिए सुबह शाम नमः शिवाय का जप करेंगी तो ये मुश्किल बहुत जल्दी हल होगी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी तरह का वहम ना पालें तो बेहतर होगा और धन के लेन देन में सावधानी रखें। सलाह सिर्फ इतनी सी है कि आज आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, किसी भी निर्णय को लेने में 100 बार सोचिएगा, आज का निर्णय गलत हो सकता है। वृश्चिक राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव ना पालें, किसी मित्र का सहयोग मिलता है सहयोग ले लें, सहयोग लाभकारी होगा। आज की सलाह यह है कि उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह बहस मत करिएगा वरना मामला आपके लिए भारी हो जाएगा। धनु राशि, ऊट पटांग खाने से बचिए, आराम का ध्यान रखिए, करियर में बड़ी सफलता के योग हैं, सफलता का आनंद लीजिए। आज की सलाह सिर्फ इतनी सी है कि खान पान का ध्यान रखें, पेट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अब मान लिया कुंडली में शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, शुक्र मंगल का योग है, अपने में है तो अपने लिए उपाय करें, अपने बच्चे की कुंडली में है, घर में किसी अन्य की कुंडली में है तो उसे भी बता दें, ताकि ऐसा ना हो कि चरित्र कमजोर हो जाए या चरित्र दोष पैदा हो जाए। अगर ये योग कुंडली में है तो क्या ऐसा उपाय करें कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो जीवन पर ना पड़े। सबसे पहले तो अपने खान पान का आचरण का ध्यान रखिए, आप सात्विक भोजन ग्रहण करिए और जहां तक संभव हो शांति बनाए रखिए जीवन में। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, सूर्य की किरणें मन के अंधकार को दूर कर देती हैं, और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, कम से कम 108 बार रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि शुद्ध होगी, आप उस रास्ते पर चलेंगे ही नहीं जहां चरित्र पतन हो सकता हो। महीने की 2 एकादशी होती है, दोनों का व्रत रखिए, दोनों एकादशी का व्रत रखने से भी आपका मन और आपके ग्रह बेहतर होंगे। जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन हो उन्हें हीरा भी नहीं पहनना है और उन्हें मूंगा भी नहीं पहनना है। हाँ, किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर एक पुखराज पहन लें जिससे आपका ज्ञान का पक्ष बेहतर हो, या एक पन्ना पहन लें जिससे बुद्धि का पक्ष बेहतर हो, दोनों में से कोई एक रत्न जो आपके लिए अनुकूल हो उसको पहनने से आप सही समय पर सही निर्णय लेकर इस योग के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा सकता है। मकर राशि, रिश्तों की समस्या से बचना है आपको, अभी विवाह के मामलों में थोड़ा सा विलंब है, हालांकि करियर में परिवर्तन होने में कोई विलंब नहीं है, कोशिश का फायदा होगा। आज की सलाह यह है कि ज्यादा भावुक मत होइए, जो चीजें अभी नहीं हो रही हैं वो नहीं हो रही हैं, किसी चीज को जबरदस्ती करने का प्रयास मत करिए। कुंभ राशि, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, संतान को लेके उसकी सेहत को लेके तनाव ना पालें। आज की सलाह यह है कि काम उतना ही करिए जितना आपसे हो सके, बेवजह काम पाल कर तबीयत खराब ना करें। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग तो बन रहे हैं इस समय, लेकिन जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ कर लीजिएगा और आज कुछ धन का दान करिएगा ताकि मुश्किलें आपकी हल हो जाएं।
आज की सलाह ये है कि अपने मित्रों पर, अपने आसपास के लोगों पर अति विश्वास से बचें। ऐसा ना हो कि आपका ये अति विश्वास आपको ले डूबे। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने हर निर्णय का ध्यान रखना है, चाहे वो निर्णय विवाह का हो, चाहे जीवन का हो, हर डिसीजन सोच समझ कर लेना है। आने वाले वर्ष में दुर्घटनाओं से बचना है, हड्डियों की समस्या से भी बचना है, लेकिन धन संपत्ति के मामले कुल मिला जुला कर आपके लिए ठीक ठाक बने रहेंगे। परिवार में अगर कोई दिक्कत है, परिवार में अगर कोई समस्या है, तो वो समस्या भी सुलझ जाएगी। सलाह ये है कि पूरे वर्ष, पूरे साल सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करें और एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग आपको अपनी उंगली में जरूर पहन लेनी है, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। ऐसा करने से पूरे वर्ष शनि और सूर्य का संतुलन बना रहेगा और आने वाला वर्ष आपके लिए उत्तम रह सकेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आपकी राशियों के हाल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।